डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 12। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च के बारे में। दोस्तों इसमें से वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से एक से दो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। और अगर हमें जीआरएफ चाहिए तो दोस्तों हमें पेपर फर्स्ट का हर एक टॉपिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीटी का यूज रिसर्च के अंदर किन किन स्टेज में किया जाता है। तो दोस्तों नंबर एक पे आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा एनालिसिस करने से पहले आईसीटी का किस तरह से यूज किया जाता है। नंबर दो पे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, यानी कि जब हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम किस तरह से यूज किया जाता है। और नंबर तीन पे दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा को एनालिसिस करने के बाद में किस तरह से डेटा किस तरह से रिसर्च में यूज किया जाता है आईसीटी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दोनों में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए नंबर एक पे आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने से पहले आईसीटी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। प्रूफ डेटा विश्लेषण में आईसीटी आवेदन में शामिल है साहित्य खोज, लेख उपलब्धता, थीसिस और शोध प्रबंध उपलब्धता, यानी कि जब हम डेटा एनालिसिस से पहले ये देखते हैं कि हम जिस रिसर्च पे काम कर रहे हैं उस पे पहले कितना काम हो चुका है, उस पे कितने थीसिस लिखे जा चुके हैं, उस पे कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि देखिए जब भी हम रिसर्च करते तो उसके अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम वो क्या है, नई होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिस पे पहले वर्क हो चुका हो। तो इसलिए दोस्तों हमें साहित्य खोज करना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से देखना ज़रूरी है कहीं हमारी रिसर्च में पहले काम हो तो नहीं गया है। अगर पहले काम हो गया तो हमारी रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लिटरेचर रिव्यू के अंदर, थीसिस और शोध पेपर वगैरह, रिसर्च पेपर देखने के लिए, सामग्री खोज, सामग्री वगैरह सैंपल वगैरह खोजने के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। साहित्य ट्रैकिंग, आंकड़ा संग्रहण यानी कि डेटा कलेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और देखिए जैसे इसका सबसे ज़्यादा जो यूज है दोस्तों वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या काम हो चुका है। और इसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसके अंदर है दोस्तों सबसे पहले शोध गंगा, ये भारतीय वेबसाइट है, इसके अंदर इंडियन थीसिस है दोस्तों, जितने भी इंडियन थीसिस है अपन अपनी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी पीएचडी हुई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद में दोस्तों गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर की बात करते तो दोस्तों इसके अंदर पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड सभी रिसर्च पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, थीसिस मिल जाएंगे, बहुत कुछ डेटा आपको रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च, यहाँ से भी दोस्तों आप जैसे कॉन्फ्रेंस, जर्नल और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं कि इनके अंदर रिसर्च का क्या क्या काम हो चुका है, वो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास मेंडली, ए यूनिक प्लेटफॉर्म कंपैरिजन, ए सोशल नेटवर्क, रेफरेंस मैनेजर, टिकल विजुअलाइजेशन टूल्स, यानी कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से रेफरेंस देख सकते हैं और अपनी रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह यहाँ पे हम खोज सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास है SSRN, ये दोस्तों सोशल साइंस में जितना भी स्टडी मटेरियल हमें चाहिए रिसर्च से रिलेटेड
वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आप इनको देख लेना दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और जैसे हमने बात की थी जैसे कि डेटा संग्रहण में इसका यूज़ कहाँ पे होता है, डेटा कलेक्शन में इसका यूज़ कहाँ पे होता है। डेटा कलेक्शन के लिए दोस्तों हम ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, हम ऑफलाइन जाते थे, लोगों के पास सर्वे करने के लिए जाते थे, लेकिन अब दोस्तों आईसीटी आने के बाद में हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चनरी भेजते हैं और अपना सर्वे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर हैं और ऑनलाइन इंटरनेट में वेबसाइट वगैरह है, और आजकल तो हम व्हाट्सएप के जरिए भी ऑनलाइन सर्वे करने लग गए हैं। इसके लिए जो मुख्य रूप से जो दो टूल यूज होते हैं दोस्तों, एक है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, और ये यूज करने में बहुत ही इजी है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से टूल्स हो सकते हैं ऑनलाइन सर्वे करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो गूगल फॉर्म्स और सर्वे मंकी का यूज़ किया जाता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड लेवल पे बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालिसिस करने के दौरान किस तरह से यूज़ किया जाता है दोस्तों, हम रिसर्च के अंदर टी टेस्ट करते हैं, अनोवा टेस्ट करते हैं, तो उस दौरान एनालिसिस के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि स्टेटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के लिए SPSS, दोस्तों SPSS का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और SPSS की फुल फॉर्म आप याद रख लेना, स्टेटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रख लेना। इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो दोस्त PhD कर रहे हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि मैट लैब हो गया, ये भी हमारी मैथ वर्क वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल के अंदर काफ़ी डेटा हम बिल्कुल आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेल के बारे में बहुत से दोस्त जानते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों SAS, स्टेटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये भी दोस्तों हमारे स्टेटिकल जो डेटा होता है उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे दोस्तों ग्राफ पैड, प्रिज्म, और फिर है मिनी टैब, ये काफ़ी तरह के अलग अलग टूल्स है दोस्तों, ऑनलाइन वेबसाइट है जिन पे हम अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी तरह के टूल्स हैं ऑनलाइन आईसीटी के लिए, लेकिन सभी को याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आईसीटी का किस तरह से यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग स्टेटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज आर फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि अगर क्वालिटी की बात की जाए दोस्तों, क्वालिटी यानी कि गुणात्मक बात की जाए, गुणात्मक डेटा एनालिसिस के लिए किसका यूज़ किया जाता है, NVivo का यूज़ किया जाता है, Atlas.ti का यूज़ किया जाता है, SPSS टेक्स्ट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा एनालिसिस करने के बाद इसका यूज कहाँ पे होता है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों इसका जो यूज होता है, रेफरेंसिंग और वीडियोग्राफी देने के लिए इसका यूज होता है। देखिए आपने MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल और AP स्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, अगर आपने उनके बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो देखिए, उसमें से भी क्वेश्चन आते तो वो वीडियो भी आप देख लेना। देखिए जब हम AP स्टाइल देते हैं, MLA स्टाइल देते हैं, तो हमें बहुत ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कोमा, फुल स्टॉप, डॉट और ब्रैकेट के अंदर ईयर, तो ये बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और इन्हीं वजह से हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है अगर ये हमें नहीं पता होगा तो। दोस्तों हम ये सारा का सारा काम मैनुअली करें तो हमसे बहुत ज्यादा गलतियां होने की संभावना है, लेकिन अगर हम इन टूल्स का यूज़ करें दोस्तों, जैसे एंड नोट हो गया, जेटेरो हो गया, इनका यूज़ करें तो हमारी गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये हमारे रेफरेंसिंग और वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छे टूल है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है प्लेगरिज्म चेकिंग टूल, उनके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर नंबर 1 पे आता है दोस्तों टर्निटिन आता है, और ये एक क्वेश्चन भी आया था हमारे एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए टूल है या नहीं है। आगे दोस्तों हमारे पास प्लेगरिज्म चेकर एक्स, ये टूल है, ये अलग अलग 7 भाषाओं के अंदर अवेलेबल है और इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारे नंबर 3 पे आता है ग्रामरली आता है, और ये अभी पिछले कुछ ही सालों से आया है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेगरिज्म चेकिंग का टूल है या नहीं है, तो उन्होंने ये दोनों के दोनों ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, टर्निटिन दिया हुआ था
और ग्रामरली दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि कौन सा प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आया था उस टाइम ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए टूल नहीं था, लेकिन अब ये आ गया है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखना। अब जो ग्रामरली है दोस्तों, वो व्याकरणिक गलतियां निकालने के लिए भी यूज किया जाता है, प्लस में प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन पहले जब क्वेश्चन आया था तब ये प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए यूज नहीं किया जाता था। एक और है दोस्तों हमारे पास plagiarism.net, ये गूगल के द्वारा एक फ्री टूल है दोस्तों, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ plagiarism चेकिंग के टूल, और प्लस में ICT का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो आज हमने वीडियो के अंदर जाना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको ज़रूर देख लेना, क्या पता इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।